दोस्तों आपका स्वागत है। आज की स्टूडियो में हम ऐसी जानकारी देखने वाले हैं जिससे आप पता कर सकते हैं दूसरे की मन की बात। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि हमारे दिमाग की ताकत से हमें अपना पूर्व जन्म जानना है तो क्या करें। यदि किसी ने ये वीडियो देखा नहीं होगा तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे है, आप वह देख सकते है। और यहाँ तक कि आपके दिमाग को शून्य में कैसे लेके जाना है वह भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। हमारे कुछ मित्र होते हैं जिनको वो वीडियो अच्छा नहीं लगता, उनके लिए मैं विनती करूंगा कि आप डिसलाइक करने से अच्छा है कि आप कमेंट्स, ताकि आने वाली अगली वीडियो में आपको वह जानकारी मिल सके, वह क्वालिटी आपको मिल सके और हम लोगों को भी यह पता चले कि हमें क्या कमी है और आने वाली वीडियो में वो कमी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों डिसलाइक करने से अच्छा है कि आप कमेंट्स करें क्या आपको चाहिए। दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा, क्या दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्या दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं? तो दोस्तों इसका रहस्य हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए। दोस्तों यदि हम अपना दिमाग अनलॉक कर देते हैं, मतलब दिमाग का इस्तेमाल 15% से ज्यादा यूज करते हैं, तो आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन वह कैसे करना है यही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप शुरुआत से लेकर अंत तक ये वीडियो आप देखें। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको अगले वाले वीडियो में यह जानकारी मिलेगी आपके दिमाग की ताकत से, आपके दिमाग की शक्ति से पंछियों की पक्षियों की भाषा कैसे जाने और उनको अपने वश में कैसे करें, यह भी आपको जानकारी मिलेंगी। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे ये कैसे पॉसिबल है, दूसरे की मन की बात जानना, दूसरे के मन को पढ़ना, दूसरे के दिमाग को पढ़ना। वही हम जानेंगे विज्ञान का आधार लेते हुए, और आप इस वीडियो में देखेंगे आपको विज्ञान और चमत्कार एक साथ दिखाई देगा। आप लोगों को एक उदाहरण बताते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जैसे तो हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, आपसे कोई मित्र या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त, जब आप ग्रुप में रहते हो या किसी बात पर कोई चर्चा चली रहती है, तो कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपके मुंह से और सामने वाले के मुंह से एक ही शब्द, एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस एक साथ बाहर आती है। दोस्तों यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट्स करें, हमारी जानने की इच्छा है। आप सोचते होंगे कि ये ठीक है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, कभी तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई है, लेकिन इससे हमारा क्या संबंध, इससे हम अपनी दिल की बात, दूसरों की मन की बात कैसे जान सकते हैं? बस दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए, 5 मिनट से ज्यादा होगा वीडियो, लेकिन आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेंगी। दोस्तों आपसे मैं माफी मांगूंगा क्योंकि मेरी हिंदी ठीक नहीं है, यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आते तो आप कमेंट्स करें, आपसे बात करने में हमें अच्छा लगेगा। आप सब एक बात जानते होंगे दोस्तों, इंसान ने सिर्फ उसके दिमाग की 10% इस्तेमाल किया है और उसने इतनी तरक्की की है। बस आपको यही करना है, हमारे दिमाग की शक्ति पर हमें जानना है दूसरों की मन की बात। दोस्तों ये जानने के लिए एक तरीका होता है, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 20 मिनट तक मेहनत करनी पड़ेगी हर रोज। उसके लिए क्या करना है आपको, इतना ही नहीं दूसरे की मन की बात के साथ साथ आप उसका भूतकाल भी जान सकते हैं, उसके अतीत में क्या हुआ है वो घटनाएं भी आप जान सकते हैं। शायद कुछ दोस्तों के मन में यह सवाल होगा, क्या यह ताकत मेरे पास है, क्या इतनी शक्ति मेरे पास है? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, ये ताकत हर एक इंसान के पास है, हर एक प्राणी के पास है, बस उसको एक रास्ता मिलना चाहिए, वो अपनी मेमोरी को अनलॉक करे, वह अपने ब्रेन को अनलॉक करे, सही इस्तेमाल करे। दोस्तों आप सोचते होंगे मैं इस वीडियो में आपको इंसान के हाव भाव से कैसे उसको पता चलना है, उसका दिमाग कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। नहीं, लेकिन दोस्तों हाव भाव से हम दिमाग नहीं पढ़ सकते, हाव भाव से हम व्यक्ति के विचार जान सकते, उसका प्रतिक्रिया क्या रहेगा वह जान सकते। दिमाग पढ़ना मतलब वह दिमाग में क्या बोल रहा है, उसके मन में वो क्या बोल रहा है वो जानकारी हम देखेंगे। आज विज्ञान जिस बात पर संशोधन कर रहा है, मतलब हमारी ब्रेन पर, वही संशोधन भारत में कई हजार साल पहले हो चुकी है, और वही बातें बताऊंगा मैं आपको। विज्ञान मानता है हमारे दिमाग में कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड ये रहती है। हम सब जीते हैं कॉन्शियस माइंड पर। यदि दोस्तों आप कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड पे जा सके तो आप दूसरों की मन की बात जान सकते हैं, यह विज्ञान का कहना है। प्राचीन विद्या क्या कहती है, प्राचीन विद्या ये कहती है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कणन शरीर, यदि हम इसको जानते हैं, इसको जान पाए तो हम दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं, दूसरे के मन में घुस सकते हैं। लेकिन वह कैसे करना है तो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। यदि इंसान 12 से 15 या फिर 18% दिमाग का प्रयोग करे या उसको अनलॉक करे तो इंसान दूसरों की मन की बात जान सकता है। प्राचीन विद्या के अनुसार यदि हम हमारे स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर या कणन शरीर को जान सके तो हम दूसरे की मन की बात जान सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति स्पर्श करना या उसकी आंखों में आंखें डालकर या फिर उसको देखते ही सब जानना। विज्ञान का आधार लेते हुए उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि दोस्तों हर एक बात के पीछे कारण होती है, हर एक घटना के पीछे कारण होता है, उसी तरह दूसरे के मन की बात हम कैसे जानेंगे उसके पीछे कारण है। जब हम कोई भी विचार या कोई भी बात बोलते हैं तो वह एक तरंग की भांति
बाहर आती है, वही तरंग हमारा ब्रेन हमारे कान कैच करते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक है, जिस तरह हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो पहले वह हमारे दिमाग में हो जाती है, उसके बाद हमारी जबान पे बात आ जाती है और उसे तरंग के रूप में हमारे कान पर आते हैं, उस तरंग को परिवर्तित करते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचाई जाती है। ठीक उसी तरह जब व्यक्ति कुछ सोचता है या उसे मन में कुछ बोलता है तब वही तरंगे दिमाग से बाहर आती है। अब हमें जरूरत है ऐसे एक कुछ बातों की जो यही तरंगे पकड़कर उसे परिवर्तित करते हुए हमारे दिमाग तक पहुँच ही सके, मतलब अगला व्यक्ति क्या विचार कर रहा है वह तरंग के बात ही बाहर आती है और वही तरंग हमें पकड़ना है। दोस्तों आपके साथ ऐसा हमेशा हुआ होगा, आप किसी की याद करते हो, उसका कोई ना कोई मैसेज या कॉल या फिर कुछ बात निकल जाती है, और विज्ञान भी साबित कर चुका है हम जब बात करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली ऊर्जा हमारी आवाज पर लाइट लगते हैं, बल्ब लगते हैं, बस उसे कन्वर्ट करना होता है एक ऊर्जा में, और यह प्रयोग आप सब जानते होंगे दोस्तों और विज्ञान ये मानता भी है। दोस्तों आप सब बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ये सब हम मानेंगे लेकिन हम करें कैसे, हमें जानना है दूसरों की मन की बात। तीन विधियां बता रहा हूँ, जो आपको आसान लगे आप उस विधि से कीजिए और आप दूसरे की मन की बात जानिए। सबसे पहला है आसान और मेरा पसंदीदा विधि विपश्यना का नियम। विपश्यना का नियम, इस विपश्यना के विधि में आपको ऐसा पता चलेगा, आप ऐसे महसूस करेंगे बाहर की दुनिया जो ब्रह्मांड और आप कुछ अलग नहीं है, वह एक है, आप ही ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड ही आप हो। जो कुछ आपको दिखता है और दिखता नहीं है उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है, आप और वह एक है। लेकिन इस विधि से कितना टाइम लगेगा ये बता नहीं सकते, उसके लिए आपको आनापान से शुरुआत करना पड़ेगा। आनापान मतलब अपनी सांस लेते समय उस पर ध्यान दे, जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस पर ही आपको ध्यान देना है। आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे और अलग अलग विचार आएंगे, ख्याल आएंगे, बस उसको देखते रहिए और आपको ध्यान देना है आपके सांस लेने की प्रक्रिया पर, और यह आपको हर रोज 20 मिनट करना होगा, जिससे आप जान पाएंगे बाहर का ब्रह्मांड और आप एक हो। जब आपको ये महसूस होना लगेगा तो समझ लीजिए दोस्तों आप बहुत नजदीक है जैसे कि दूसरे की मन की बात जान सकते। अब दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैं दूसरा प्रयोग, आपकी दिमाग 12-18% अनलॉक किया जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान की। इसके लिए दोस्तों आपको बसना है ध्यान की क्रिया में, कोई भी आसन पे आप बैठ सकते हैं, बस आपको कुछ कहना होता और वो कहना है मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये हवा नहीं हूँ, मैं ये पृथ्वी भी नहीं हूँ, मैं ये आकाश भी नहीं हूँ, यह अग्नि भी मैं नहीं हूँ, यह जल भी मैं नहीं हूँ, ये सब मैं हूँ लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं पेड़ हूँ ना मैं पौधा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो दोस्तों हर रोज आप एक प्रयोग कीजिए 20 मिनट तक, आप देखेंगे दोस्तों आपकी मेमोरी कितना स्ट्रांग होते होते हुए आपकी मेमोरी आप अनलॉक कर चुके होंगे, लेकिन इसके लिए कुछ मेहनत लगेंगी दोस्तों। इस प्रयोग से आप दूसरे की मन की बात मतलब दूसरे के दिमाग से निकलने वाली तरंग आप पकड़ सकते हैं और उसे कन्वर्ट करते हुए दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। और दोस्तों ये विज्ञान इस बात को मानता है, इसलिए आप अगर ये प्रयोग करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आपको बता रहे दोस्तों तीसरा प्रयोग त्राटक से। त्राटक से क्या होता है, अगर आप त्राटक करते 20 मिनट हर रोज तो आप आपके सूक्ष्म शरीर कर्ण शरीर और स्थूल शरीर को अच्छी तरह से जान सकते हैं। मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है जिसे आप कहते हैं आपकी अंतरात्मा, जिसे हम सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर या कर्ण शरीर कहते हैं, उसे आप जान सकते हैं त्राटक से। यदि आप 20 मिनट तक हर रोज त्राटक करते हैं, उस त्राटक करते समय बस आपको ध्यान लगाना होता है मोमबत्ती या फिर बिंदु पर, इसके अलावा कोई भी विचार ना करें। आप देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे आप सब बातें जानने लगेंगे। आप इस प्रयोग से जब जानेंगे आपका शरीर आपकी सूक्ष्म शरीर आपकी तरंग जानेंगे तो आप दूसरों के दिमाग में घुसकर उसके दिल की बातें जान सकते हैं। आप वह भी बातें जान सकते हैं जो उसने कभी किसी को बताया नहीं होगा, कितना भी गहरा रहस्य क्यों ना हो वह आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप यह प्रयोग करना चाहते हैं तो आप आनापान से शुरू कीजिए और देखेंगे दोस्तों आपको इसमें काफ़ी लाभ होगा, यहाँ तक कि आपके जॉब आपके बिजनेस और आपकी पढ़ाई में या फिर आपका कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो इसमें आपको तरक्की भी मिलेंगी। अगर आपको कुछ परेशानी होती है या फिर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स करें, आपको हम रिप्लाई जरूर देंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, कृपया आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद।